एमपी के छतरपुर से आए इस मामले ने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ पुलिस से शिकायत करने पहुंचे एक व्यक्ति की दास्तां जब सबने सुनी तो उनके भी होश उड़ गए। अपनी पत्नी से परेशान ये पति शिकायत दर्ज कराते कराते रुआंसा सा हो गया। पति, पत्नी, आशिक और फिर आ गए पत्नी के चार दूसरे पति। जी हाँ, यह अनोखा मामला सामने आया है छतरपुर जिले से। मामला करीब 2 महीने पुराना बताया जा रहा है, जब ये पीड़ित पति फूलचंद अपनी पत्नी की शिकायत लेकर एसपी साहब की जन सुनवाई में पहुंचा। फूलचंद ने बताया कि उसकी पत्नी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसकी 2011 में शादी हुई। लेकिन फिर जो उसने बताया वो सुन सबके होश उड़ गए। पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी के इससे पहले 4 शादी हो चुकी है और उसके अब 5 पति हैं। फूलचंद के मुताबिक उसकी पत्नी की सन 2000 में एक व्यक्ति से शादी हुई थी। इसके बाद उसने उस पति की सारी दौलत हड़प ली और संबंध खत्म कर दिए। फिर 2006 में उसने धर्म परिवर्तन कर फिर शादी की। इसके बाद फिर से उसने उसके पति की सारी संपत्ति उड़ाई और संबंध समाप्त कर लिया। इसके बाद भी उसकी पत्नी ने 2008 और 2009 में शादी की। फूलचंद के मुताबिक शादी के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाने का काम करती है और इस कारोबार की आड़ में उसके कई लोगों के साथ संबंध है, जिसका विरोध करने पर पत्नी ने उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। जन सुनवाई में फूलचंद ने आवेदन दिया और बताया कि पहले मामला महिला थाने में था, जहां उसने भी पत्नी के खिलाफ छलकपट और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने मुकदमे को बेबुनियाद बताते हुए मामला खारिज कर दिया था। अब पीड़ित पति का आरोप है कि फिर से उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ अप्राकृतिक संबंध बनाने को लेकर FIR दर्ज कराई है और अब रंगदारी की मांग भी कर रही है। मेरी पत्नी है, उसने पहले से ही 4-4, 5-5 शादियाँ कर रखी थी, तो मैंने उसके खिलाफ में आवेदन दिया था SP सर को बहुत 2-3 महीने पहले, तो उस पर FIR भी हो चुकी है 420 की। इसके बाद जब से उसके ऊपर FIR हुई है, जब से मुझे परेशान कर रही है। अभी हाल ही में उसने 19 तारीख को मेरी एक भारी FIR कर दी। उसकी शिकायत करने में साहब के यहाँ आया था तो साहब ने आश्वासन दिया है कि जाँच करेंगे केस में। टोटल फर्जी मुकदमा है और ऐसा ही मुकदमा उसने कुछ दिन पहले 3 महीने पहले परवेश खान पर भी लगवाया था। अब उससे भी कुछ पैसे की लेन देन करके उसके बयान बदल दिए हैं और वो बरी हो गया उस केस में, उसने राजीनामा कर लिया है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे केस में उसने फर्जी मुकदमा लगाया है, उसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए और मुझे न्याय दिया जाए। पीड़ित पति ने ये भी बताया कि उसकी पत्नी का साथ उसका ही कोई दूसरा प्रेमी दे रहा है। वहीं उसका कहना है कि जब छतरपुर SP से उसने शिकायत की तो उन्होंने उसे आश्वासन दिया है कि मामले में सही तरीके से जांच पड़ताल कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। छतरपुर से हम तक ये खबर पहुंचाई सहयोगी लोकेश चौरसिया ने। MP से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अभी तक।